अस्सलामुअलैकुम, आज मैं EMK ग्लोबल सिडनी ऑफिस में और आज हम अपने स्टूडेंट्स के साथ जो फ्यूचर स्टूडेंट हैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज मेरे साथ हैं सोहेब अहमद जो कि बुरेवाला से हैं, वी आर सिटी फेलोज एज वेल और लकीली वी आर हियर टुगेदर। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि इनका यहाँ पे स्टडी का एक्सपीरियंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में और स्पेशली इनकी अपनी यूनी में कैसा रहा। अस्सलामुअलैकुम सोहेब अहमद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया सबसे जो बेस्ट चीज थी यहाँ पे स्टडी एनवायरनमेंट पाकिस्तान से जो बहुत डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पे ट्यूटोरियल्स हर क्लास का ट्यूटोरियल होता है, तो वो मेरे लिए सबसे डिफरेंट और नई चीज थी। तो रियली एंजॉय दैट। और एक्सपीरियंस देखा जाए तो पाकिस्तान से बहुत अच्छी यहाँ पे स्टडी है और स्टूडेंट टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे। 24/7 वाया ईमेल वो आपको अवेलेबल होते हैं, सो आई थिंक इट्स गुड एक्सपीरियंस हियर। सो ट्यूटोरियल से आपका मतलब है कि जो आप क्लास में पढ़ते हैं तो वो बाद में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ टू डू। बिल्कुल, जो हम 2 आवर्स या 1.5 आवर की क्लास होती है उसमें जो भी हम स्टडी करते हैं लेटर स्ट्रेट अवे आफ्टर द क्लास और सम टाइम नेक्स्ट डे ऑफ द क्लास हमें ट्यूटोरियल होता है, और ट्यूटोरियल के अंदर वो हमें प्रैक्टिकली वही चीज हम परफॉर्म करते हैं एंड सम एक्सपेरिमेंट और सम काइंड ऑफ क्लास एक्टिविटी वी परफॉर्म इन द ट्यूटोरियल्स। सो इट्स मोर लाइक अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस आफ्टर स्टडी। सो ओके, तो आप अभी मास्टर, सॉरी सोहेब अभी कर रहे हैं मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम फेडरेशन यूनिवर्सिटी सिडनी कैंपस। तो आप मुझे फेडरेशन यूनिवर्सिटी का बताएं थोड़ा सा कि आपकी वहाँ पे जो स्टूडेंट सर्विसेज हैं और कि अगर स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता है तो उसके लिए कितना इजी है टू एक्सेस टू द स्टूडेंट सर्विसेज एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। फेडरेशन यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट सर्विसेज हैं वो काफ़ी उन्होंने ईजी कर दी हैं, बिकॉज उनका मॉडल यहाँ पे जैसे स्टूडेंट का लॉगिन होता है एंड टीचर्स लॉगिन होता है तो वो सारा मॉडल पे होता है एंड देयर मॉडल इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली। They provide all the class materials like tutorial, lectures, everything. Even on their Moodle, they provide us their final exam material also, which help a lot in your final exam preparation. So I think they're very friendly. Their student services are good, not bad. So इसके अलावा आप थोड़ा सा हमें बताएंगे यहाँ पे fees जो है, क्योंकि आप जो federation university में पढ़ रहे हैं, तो fees affordable है student के लिए as an international student? As an international student, if we compare the tuition fee with the other universities, not with the colleges, so I think it's pretty reasonable because I can afford the fee very easily, and not only me, all of my other fellows, they are affording the fees easily. So ये अच्छी है। तो एक मिनट, जब आप मास्टर कर रहे हैं तो यू कैन अफोर्ड फीस, तो आपको पाकिस्तान से मंगवाने या घर से मंगवाने की कभी जरूरत नहीं। अगर हम उस, बिकॉज हमारे बोर्ड से भी पाकिस्तानी जो है वो यही सोच कराते हैं वहाँ जाके खुद काम करके अपनी फीसेज अफोर्ड करनी है, तो उस सेंस में इट्स इजी बिकॉज इनकी जो है ड्यूरिंग स्टडी हम मास्टर्स के दौरान अपनी फीसेज कर लेते हैं, मैं तो कर लेता हूँ, बाकी भी मेरे फेलो जो जानते हैं कर लेता हूँ। तो इनके कितना फ्लेक्सिबिलिटी है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के आप क्लासेस भी ले रहे हो साथ में और साथ में आप काम भी कर रहे हो टू अर्न लाइक फॉर योर ट्यूशन फी एंड फॉर लिविंग एक्सपेंस, तो ये कितना इजी है यहाँ पे बेसिकली? फॉर दैट आई कैन से इट्स लाइक लिटिल ट्रिकी, यू हैव टू बी, यू नीड टू यूज, या बी स्मार्ट, यूज योर कॉमन सेंस, क्योंकि फेडरेशन यूनिवर्सिटी ने अपना ऑनलाइन जो उनकी इनरोलमेंट सिस्टम एंड देन आफ्टर इनरोलमेंट यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट की डिफरेंट क्लासेस हो रही होती है, वन सब्जेक्ट हैव 3-4 क्लासेस इन अ वीक, सो यू कैन चूज विच वन यू वांट टू अटेंड। या सो व्हाट आई डू पर्सनली, आई फर्स्ट चेक माई वर्किंग आवर्स, माई वर्क वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई जस्ट सी व्हाट इज माई रोस्टर देयर, सो आई मेक माई टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दैट, so easily I manage both my work and so I think this is very good thing about Federation University. So इसका मतलब है कि आपको bound नहीं करते कि आपने इस दिन ही आना class के लिए, तो आपके पास flexibility है कि आप class choose कर सकते हो किसी भी दिन, पूरे महीने के Monday to Friday. Yeah, this is the best part. That's a good thing for me. So उसके अलावा जो location है आपकी uni की या normally जो जितने mostly campuses हैं, तो आप उनकी लोकेशन के बारे में क्या कहेंगे? लोकेशन इजीली एक्सेसिबल है स्टूडेंट के लिए? सो देर आर आई थिंक more than 15 to 20 universities right now in Sydney CBD, and more than 4-5 train stations
But the best part of the Federation University location is Town Hall Station is the heart of the CBD, you can say that. And which if we take the George Street exit from Town Hall Station, the door is just next to the exit. So ये बहुत easy है. अगर मैं class में, for example, 45 minutes class में आगे and 40 minutes on train from my location to the campus. So I just straight away get the train, which exactly like reaching me to the Town Hall Station at 10. So I take exit 2 and go to the campus. Location बड़ी easy है. बहुत easy, very easy, बहुत easy है. Transportation easily available. बिल्कुल. अगर आपको train station train कहीं से भी मिल रही है, तो straight away that train must go to the city. और जो city में train जाती है, Town Hall जरूर रुकती है. Okay. So at the end के हम इस बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे. तो आप क्या suggest करेंगे student को कि अगर वो willing हो study के लिए या वो afford कर सकता हो, तो उसे study के लिए Australia आना चाहिए या आपकी क्या suggestion होगी उनके लिए? Well, I suggest to the students, मैं अपने जितने भी चाहे वो बुरे वाला से पाकिस्तान से कि any part of the world they are from, if student want to come Australia, they just need to be little passionate and little hardworking. It's very easy to come here and survive here. It's not a big rocket science. Just need to come here in Australia, be smart. Federation University is the best option for you. If you are coming here, bachelor, master, whatever, choose your own timetable, get a job, you can easily manage. That's it.